मेग्राबीटा प्लस टैबलेट जो कि बनाई जाती है एल्केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। दो दवाई से बनाई गई ये टैबलेट है जिसके में अंदर प्रोप्रिनोल्स 40 mg एंड फ्लुएजिन्स 10 mg रहता है। 155 रुपीस का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसमें 10 गोली रहती है। ये टेबलेट जो कि ट्रीटमेंट करती है माइग्रेन्स का, ये ट्रीटमेंट करती है जो कि एक ब्रेन रिलेटिव प्रॉब्लम रहता है तो उसमें ये काम करती है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और उसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। मेग्राबीटा प्लस टैबलेट जो कि बनाई जाती है एल्केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। प्रोप्रिनोल्स 40 mg एंड फ्लुएजिन्स 10 mg रहता है। 155 रुपीस का ये 10 टैबलेट का पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है माइग्रेन्स का, और ये मेडिसिन जो कि ट्रीटमेंट करता है एक्यूट माइग्रेन अटैक का ये ट्रीटमेंट करता है। अगर आप इस टैबलेट को साइकोटिक डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, खुद से ले रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि आपका वेट गेन हो सकता है, हार्ट रेट स्लो हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है और आपको अब नॉर्मल ड्रीम्स आ सकती है और कोल्ड एक्सट्रीम लग सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इस टेबलेट को ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले, वो इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो माइग्राबीटा प्लस टेबलेट काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है जो कि प्रोपिनोल्स एंड फ्लुएजिन्स डाला गया है, जो कि क्या करता है कि प्रोपिनोल्स एक बीटा ब्लॉकर से जो कि क्या करता है, और फ्लुएजिन्स एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि स्टेबलाइज करती है और रिएक्टिंग नर्व सेल्स को करती है, जिससे क्या होता है कि माइग्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि इनहिबिट कर देती है कोर्टिकल स्प्रेड इन डिप्रेशन को, जिसको CSD इलेक्ट्रिक वेव्स मूव अक्रॉस ब्रेन के द्वारा होता तो उसको कम कर देता है। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।